माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी को उम्मीदवार बनाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में रघुवर दास जी एक ऐसे नेता हैं कि 81 विधानसभा में कहीं से चुनाव लड़ जाएंगे और प्रत्याशित मतों के अंतर से जीत जाएंगे। रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर दावे का दौर शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने भाजपा को ललकारा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को वहां से प्रत्याशी बना। रामगढ़ के लोग उन्हें 56,000 वोटों का लोकतांत्रिक सबक सिखाएंगे। रामगढ़ का उपचुनाव भी होना है। मेरा भारतीय जनता पार्टी और आपसे से बहुत विनम्र निवेदन है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी को उम्मीदवार बनाइए। वहीं झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा इस बयान पर बीजेपी की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया मिली है, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में रघुवर दास जी एक ऐसे नेता है कि 81 विधानसभा में कहीं से चुनाव लड़ जाएंगे और प्रत्याशित मतों के अंतर से जीत जाएंगे। ये प्रपंच वाले जो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग हैं, जो बयानबाजियों वाली सरकार है, उनकी बयानबाजी में झांक कर देखना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार पूरे झारखंड से खिसक गया है। और हेमंत सोरेन जी को आज अगर इतना ही है तो पूरे प्रदेश में जो आज नाराजगियों का वातावरण है उसको भर कर देखे। जहाँ जहाँ इनकी जहाँ पर हेमंत सोरेन जी चुनाव जीत कर आए हैं, आज वहीं के ना पंकज मिश्रा जी है जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल है, इन्हीं के सरकार के ना IAS अधिकारी है पूजा सिंगल, जिनका इतना बड़ा पल्स हॉस्पिटल में इतना भ्रष्टाचार का रुपया लगा है। तो हेमंत सरकार को और सुप्रियो भट्टाचार्य को इसका जवाब देना चाहिए, ना कि रघुवर दास कहाँ से जीतेंगे और हारेंगे इसका मूल्यांकन करना चाहिए। रघुवर दास जी जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से जीतेंगे। उनका हर चैलेंज हम लोगों को एक्सेप्ट है, बल्कि जो जनता के साथ उन्होंने जो वादा किया था, आज वो अपने वादा को पूरा करें, वो अपनी करनी पर ध्यान दें। हम समझते हैं कि आज 3 साल में यह उनको वैचारिक मंथन करना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।